अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हुमायूं महबूब अपने यूट्यूब चैनल हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी पे आपके सामने नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया था, ये कमर ज़र अक्रब यानी मून इन स्कॉर्पियो के हवाले से मैं ये रिलीज़ आपको कर रहा हूँ। और क्योंकि चूँकि इंडियन भी मुझे बहुत देखते हैं, तो उनके लिए मैं कह दूँ कमर जो है वो बर्छक राशि में जब जाएगा तो उसके लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो ख़वातीन हज़रात, एक रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ, मैंने सोशल मीडिया पे सिर्फ अपना ये हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से यूट्यूब चैनल बनाया है। ये बार बार इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो में, लोगों के साथ फ्रॉड होता है। इसके अलावा अगर कोई सोशल मीडिया पे आपसे कुछ भी कहे, कोई कंसल्टेशन के लिए कहे, तो आप समझ लीजिएगा फ्रॉड है। मैं सिर्फ यहाँ पर कंसल्टेशन नहीं करता यूट्यूब चैनल पर, क्योंकि इतना टाइम है ही नहीं। मैं सिर्फ अपने ARY डिजिटल पर हफ्ता इतवार को करता हूँ। और वैसे मेरा ऑफिस है होटल पल कॉन्टीनेंटल PC होटल कराची में, वहाँ का नंबर मैं बता देता हूँ। बैठता मैं मखसूस दिन हूँ थोड़े थोड़े वक्त के लिए, क्योंकि यही टाइम फुर्सत नहीं देता। तो वहाँ का नंबर मैं कोड के साथ बता रहा हूँ 02135685501। दूसरा नंबर है 02135685021। इन दो नंबरों पर आप दोपहर के 3 बजे से शाम के 7:30 तक मेरे असिस्टेंट से प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और ओवरसीज़ जो बैरून मुल्क से मुझे कॉल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत क्लाइंटल है, अल्लाह का बहुत करम है मेरे पंजतन पाक के सदक़े, उनसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो जब इन नंबरों पर कॉल करें तो मेरे असिस्टेंट से कहें कि हुमायूं साहब को वीडियो पर दिखा दीजिए, मैं भी आपको देख लूँ, आप भी मुझको देख लें, ताकि दोनों तरफ इत्मीनान की लहर आ जाए। तो कमर दर अकरब के लिए पहले ये बता दूँ, कमर दर अकरब जो होता है इसके अंदर कोई भी नेक शगुन या नेक काम से मुराद होता है सफ़र, मंगनी, शादी, निकाह, नए काम का आगाज़, नई डीट का आगाज़, नई चीज़ का आगाज़ करके देख लीजिएगा, उसका इख्तिताम अच्छा नहीं होगा। यही बात मैंने बोली थी इमरान खान साहब के लिए कि इन्होंने मून इन स्कॉर्पियो में अपनी ओट टेकिंग ली है, मुद्दत पूरी नहीं हो पाएगी, लेकिन वो नहीं समझे। खैर, अल्लाह ताला वक्त के साथ साथ दिखा देता है। तो जाहिर है इंसान को जब कुछ होता है तो फिर उसका एहसास होता है कहाँ गलतियाँ हुई। तो ये कमर दर अकरब पड़ेगा 20 दिसंबर को और 21 दिसंबर को, 2 दिन ये होगा। तो इस दिन में आपने सदका करना है, 1 पाव चावल कच्चे और 1 पाव दूध खरीद के किसी गरीब को दे दीजिएगा, ये कम से कम बता रहा हूँ। और अगर कोई किसी के पास इस्तेताद नहीं है तो वो मुट्ठी भर कच्चे चावल लेके परिंदों को डाल दे। अल्लाह ताला क्वांटिटी को नहीं देखता, वो क्वालिटी को देखता है, इंटेंशन को देखता है, आपकी नीयत को देखता है। और उससे भी आसान क्या है, अव्वल व आखिर दुरूद 3 मरतबा, दरमियान में 100 मरतबा मुकम्मल इस्तग़फ़ार और 100 मरतबा आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुभानका इन्नी कुंतु मिनज़्ज़ालिमीन और अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैही पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ कर लीजिए कि अल्लाह ताला इसके बद असरात से हमको महफूज रख। और आप कभी रिसर्च कीजिएगा, गाड़ियों में टूट फूट, मशीनरी में टूट फूट, एक्सीडेंट हो जाना, और जब इसकी निगाह किसी गंदे प्लैनेट से पड़ जाए तो फिर कोई इंटेंस चीज़ दुनिया में होती है, जैसे कभी भी ये पड़ सकती है। और इस दफ़ा तो आपको मालूम है स्कॉर्पियो, लेकिन उस वक्त तक सन तो हाँ एग्जिट कर जाएगा, लेकिन बहरहाल मंगल से निगाह बनेगी तो फिर ये अलग बात है, गुरु भी देख रहा है उसको। और देखें, मैंने इससे पहले भी वजाहत की थी, कमर दर अकरब पूरा बुरा नहीं होता, लेकिन आम आदमी को तो नहीं पता ये कि 2 डिग्री में हो रहा है। और मैंने एक चीज़ क्लियर की थी कि ये पहले चरण यानी अपने इब्तदाई डिग्रियों में हो जाता है, मगर मेरा एक परसेप्शन है, मैं कहता हूँ बादशाह को आप जेल में डाल दें तो तावक्ते के वो जेल से एग्ज़िट ना कर जाए तो बुरी चीज़ का असर जो उसके ऊपर पड़ रहा है वो बुरा ही रहेगा, गो के वो खिसकता आगे चला, लेकिन कर लेना चाहिए। और बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आपसे नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।